भूख लग रही है कुछ खाने। स्वागत है आज के ब्लॉग में होने वाला हमारा नया पॉडकास्ट और आज आ रहा है एलविश भाई। तो फाइनली हफ्ते आ गया वो हमारे, उससे हमने बहुत बोला, वो भी बहुत बीच आ नहीं रहा था, बहुत दिनों की टल्ला दिया, बहुत दिनों से बिजी था ना, पर शूट बोल रहा है वेब सीरीज आ रहा है, बट फाइनली आ ही गया हाथ। और मतलब पॉडकास्ट बहुत तगड़ा होने वाला है आज का, मजा आ जाएगा। एलविश के आने से पहले हम अपना पॉडकास्ट करने वाले हैं कुछ गुनन गुनन, जो हमारे पर्सनल पॉडकास्ट है आप जाके देखो रियल टॉक क्लिप पे, ये हमारे पर्सनल है। उसके बाद एलविश आएगा 5 बजे, तब उसके बाद रिकॉर्ड करेंगे। तो आज के पॉडकास्ट पे क्या बात होने वाली है पीयूष जी, आप हमें बताएंगे। आधा पार्ट इसका जाएगा दीपक चौहान पे, आधा जाएगा पीयूष गुर्जर पे, आधा इनके भी डलवा दे। म्यूजिक करते राव साहब फोन करके कह रहे मतलब पहले तो मैं उससे बात टच में था कि भाई क्या सीन है, तो वो बताता रहा कि भाई बिजी हुई है वो, फिर फोन आया कल की भाई तो मुझे बुला क्यों नहीं रहे पॉडकास्ट में, मैंने अरे पॉडकास्ट कर देंगे अंदर अंदर तक की बातें निकाल देंगे सारी, मैंने अब तो ओके आप आओ तो सही। यार आज इतनी बदबू आ रही है नए बीन बैगों में से, इनमें कुत्ता सड़ रहा है। साला ये सोच रहे हैं कि एल्विश क्या सोचेगा आके कि भाई कहां बदबू में बैठा दिया मुझे। साले 2.5 किलो तो बदबू है यार, तो गांव से मैं यहां बदबू सूंघ ले आया हूं तुम्हें गोदाम में लेके, अगर तू होता ना गोदाम में कैसे ले गया। अबे कह रहा कि ये तुम्हें एक्सचेंज करनी है इसकी बॉल्स और उसके पैसे, गोदाम में पड़ी है बीन्स, उसके पैसे कम हो जाएंगे नए वालों में। हमने कहा ठीक है तू ले ले हमारे पुराने वाली बॉल्स बीन्स, दे दे हमें पैसे कम कर दे। साले ले गए नीचे इतना तकड़ा गोबर की बदबू, साले आप वहां जाओ तो ऐसे घूमो कि हाय क्या हो गया यार, पानी वानी पता नहीं लेने की ज्यादा हुई। खाना बन रहा है एक रेस्टोरेंट का नाले से, भैया बाहर का तो खाई बात, हमसे तो हाथ जोड़ वाली बाहर का कम, और अभी मैकडी का खा के बैठे, मैकडी का बाहर का थोड़े घर का ही है वो, तो सेकंड होम मैकडी होम। कुछ लोग ये भी तो कह रहे कौन लोग है कुछ लोग, ये कौन फिसड्डी है साले, तुम एक करी मुझे बताओ हमारी चाय बन के, अब हम चाय पियेंगे। क्या हो गया व्लॉग क्यों करो, अभी ऑन करा है। गाइस हम व्लॉगर हैं, एक नंबर के व्लॉगर हैं हम दिल्ली के, चुलबुलापन चटपटी व्लॉगिंग रहेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस, बेंचों पे फिल्टर लगा तू साले लाइट के सामने कैसी काला लगा, पता नहीं कैसी साइकोलॉजी है कि साली लाइट के आगे बैठे, लाइट दिखाई इतनी बड़ी फिर भी काले लग रहे हो, बताओ यार। नहीं अब तो सही फिल्टर लगा देना। गाइज हमने एक पॉडकास्ट तो शूट कर लिया, अब हम सेकंड पॉडकास्ट करने वाले हैं। इसका क्वेश्चन हमको समझ नहीं आ रहा क्या रखने वाले हैं। वैसे आपके हिसाब से आपकी जो कॉक है कितने लोगों ने देखी है, ये क्या पूछ रहा है मुझसे व्लॉग में, ये व्लॉग में क्यों पूछ रहा मुझसे अश्लील बातें। वही है थोड़ा मोर लेस एक क्वेश्चन भी कि भाई तुम अगर गे हो तो किसके साथ कॉम्प्रोमाइज करोगे, बस लड़कियां नहीं है लड़के हैं अब। अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पेपर होगा तेरा, लड़पुरे वाले आ गए पेपर देके, अब इनसे पूछा जाएगा किस चीज का पेपर था। सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ये तो सोशल साइंस, ये तो लास्ट व्लॉग में कह रहा था। और इससे पहले क्या है, पढ़ाई करी थी जाने से पहले, तो देख ले तुम दो चार महीने कोई क्वेश्चन याद है जिसका आंसर दिया हो, याद करना है कुछ एक भी नहीं फंसा बस हमारा, मतलब जो जो पढ़ा है वो आए नहीं है कोई और कुछ और ही आया, पढ़ा भी तो होना चाहिए ना, मतलब एक वर्ड दिख गया में कि ये क्या है, मतलब सामाजिक शास्त्र सामाजिक, आज क्या सवाल था ये, और आपने उसका क्या जवाब, कोई एक क्वेश्चन था कि मानव कि मानव के जीवन के बारे में बताओ, तो आपने क्या लिखा, छोटे लोगों से सुनी नहीं जाती ये तो इसका हो गया। और ये लड़का हमसे कहता है भाई आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे फोन कर देना, और ये भी सुरक्षित नहीं घूम रहा है,
अगला तो सारे हमें पिटवा देंगे चौराहे पे। पीयूष भाई कोई भी दिक्कत है फोन पे आ जाओ, हमसे ये कह रहा पंगा लो आप खुला किसी से, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो कुछ ना कुछ तो जरूर, तू तो हमारी कच्ची पटवा देगा चौराहे पे। कल इस लड़के की मैं बात बताता हूँ, मैंने कहा रील डाल रहा है स्पेलिंग गूगल से चेक करके डाली हो और फिर गलत पे मैंने साले में कहीं बाहर बैठा वहां पे मैंने देखा रील डली और स्पेलिंग गलत, मैंने साले स्क्रीनशॉट लेके गोला बना के इसको ये भेज रहा हूँ मैं। मुझे लगा गूगल से देख के भी गलत स्पेलिंग नहीं देखी थी इन्होंने, बस ऐसे दिखा था मैंने। हाँ ठीक है, पहले देखी थी तुमने? सच में नहीं देखी थी स्पेलिंग। अब ये तू झूठे बता रहा है, मुझे नहीं देखी थी, चेक करो। और स्पेलिंग थी किसकी फिर से बता, क्या स्पेलिंग थी? विवेक रिवील्स हिज इनकम था, आर ई वी डबल ई एल भाई साहब ने लिखी हुई थी। रिवील रिवील हो गई तो क्या हुई, तो कुछ बना ही नहीं। तो दोस्तों हम बाहर आ गए हैं, भाई आ गए हैं, भाई को लेने आ गए हैं हम। वो आ रही गाड़ी फॉर्चूनर आ रही है, ग्लैडिएटर आ रही है, ग्लैडिएटर हरियाणा रोडवेज लिखवाया गाड़ी में। ये कुछ कैडी बोल रहा है, इसको चोरी करवा दे। मैं तो कह रहा वाली उसे कहा ठोको अगली वाली में ठोको। बिल्कुल ही करप हो रहा है जगह जगह कहा गया हमारे एनिमेशन भाई को, कहा तू बग्गा तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में, और मजा आ गया भाई पॉडकास्ट में। अभी दोस्तों मैं कह रहा पॉडकास्ट तो खत्म हो गया लेकिन व्लॉग खत्म नहीं हुआ, अभी भी पहुंचने वाले वो बताएंगे कहाँ चलना भाई। हाँ भाई बताओ, मुझे तो भूख लग रही है कुछ खाने। तुम्हारी बात हो रही थी आपस में, किसको बोला ना बुरा लड़की पहले तो तुम अपनी दस बुलाओ जो है मन में।